हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज सच दैट। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और इसके बाद यहाँ लिखा गया है वट कैन यू से अबाउट दियर पेरीमीटर्स। अब इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें एक स्क्वेयर शीट लेनी है और उसमें दो ट्रायंगल्स बनाने हैं जिनका एरिया आपस में इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि एक स्क्वेयर शीट में दो ट्रायंगल्स ऐसे बनेंगे जिनका एरिया तो आपस में इक्वल होगा और साथ ही साथ वो दोनों जो ट्रायंगल्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि स्क्वेयर शीट में दोनों ट्रायंगल्स का एरिया तो आपस में इक्वल होगा लेकिन वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि इन दोनों ही केसेस में हमें यह बताना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हम बनाएंगे, फर्स्ट केस में जबकि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा और दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, और दूसरा केस जिसमें दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा लेकिन वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, इन दोनों केसेस में उनके जो पेरीमीटर्स होंगे दोनों ट्रायंगल्स के, क्या वो पेरीमीटर्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कहा गया है कि हमें एक स्क्वायर शीट लेनी है जिसपे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका नाम है ए बी सी डी, और इसके चारों साइड्स को हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर ले लिया है क्योंकि हमें तो कोई मेजरमेंट गिवन नहीं थी स्क्वायर शीट की। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं चारों साइड्स को, या कोई और मेजरमेंट चाहे तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इस स्क्वायर शीट में दो ट्रायंगल्स बनाने हैं, तो हमने यहाँ पर ए को सी से मिला दिया, ये यहाँ पर एक डायगनल बन गया है। तो जब ये डायगनल यहाँ पर बनेगा ए सी, तो देखिए अब ये दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। एक ट्रायंगल यहाँ पर आपको ये नीचे नजर आ रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला नजर आ रहा होगा। ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पर बन गए हैं। अब हमें यहाँ पर तीन चीजें चेक करनी है, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है या नहीं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और फिर हम चेक करेंगे क्या इन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर इक्वल है या नहीं। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बीसी इंटू एबी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ट्रायंगल है एबीसी और इसमें ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है। हमें कैसे पता ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स, और स्क्वायर में चारों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, और जब हम इस ट्रायंगल में इस एंगल का यूज करेंगे तो ये 90 डिग्री का यूज होगा। तो इसकी वजह से ये जो ट्रायंगल है एबीसी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसीलिए यहां पर हमने लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस यानी के बीसी, इंटू हाइट, हाइट यानी के ए बी। अब ये 1/2 यहां पर एज इट इज आ गया है, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आया। बीसी की यहां पर देखिए मेजरमेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो यहां बीसी की जगह हमने 4 लिखा, इंटू का साइन एज इट इज आएगा। ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह भी यहां पर हमने 4 लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 और ये 2, इनको आपस में सोल्व किया जा सकता है, ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को ही 2 से काटेंगे। देखिए 2 1 2 एंड 2 2 4, अब यहां पर क्या बचा, 4 × 2 × 1, 4 2 8, 8 1 8, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ गया है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए निकालेंगे। देखिए सी डी ए, ये वाला ट्रायंगल, अब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो यहां हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू सी डी। यहाँ पर भी स्टूडेंट सेम मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है डी एंगल, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये एक स्क्वायर का भी एंगल है, तो ये जो ट्रायंगल है सी डी ए ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब हमने इसका एरिया निकाला तो हमने यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लगाया जो यहाँ पर लगाया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह क्या आएगा ए डी और हाइट की जगह क्या आएगा सी डी। अब यहाँ पर ये 1/2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आया। एडी, एडी कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 आया, इंटू का साइन एज इट इज आया। सीडी कितना है, सीडी भी 4 है, तो यहाँ 4 आया।
अब हम इस 4 को और इस 2 को आपस में सॉल्व करते हैं। 2 वन द 2 एंड 2 टू द 4। अब यहां पर भी देखिए 4 टू द 8, 8 इंटू 1 8 होता है, तो यहां पर भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ट्रायंगल सीडीए का एरिया भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब यहां पर हमसे जो ये कहा गया था कि हमें दो ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं जिनका एरिया आपस में इक्वल हो, वो तो यहां पर हमने दिखा दिया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यहां पर देखिए हमने जो मेजरमेंट ली थी चारों साइड्स की स्क्वायर की, वो 4 सेंटीमीटर ली थी, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल्स का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यहां पर अगर आप चाहे तो कोई और मेजरमेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन में कोई मेजरमेंट थी नहीं स्क्वायर की, तो अगर आप यहां पर कोई और मेजरमेंट लेते हैं चारों साइड्स की स्क्वायर की, तो उसके बावजूद दोनों ट्रायंगल्स का एरिया तो सेम ही आएगा, लेकिन वो नंबर कुछ और हो सकते हैं। हो सकता है कि यहां पर अगर आप 6666 सेंटीमीटर ले रहे हैं चारों साइड्स को, तो यहां पर एरिया कुछ और आ जाए, लेकिन उस केस में भी दोनों एरिया आपस में इक्वल आएंगे। अब यहां पर हमने लिखा है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीए। तो एक काम तो हमने कर लिया स्टूडेंट्स कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया यहां पर हमने इक्वल दिखा दिया है। अब हम ये फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ये चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो देखिए यहां हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल एबीसी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और उसके बाद हमने लिखा एंड ट्रायंगल सीडीए, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहां पर हम चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस ट्रायंगल की ए बी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर और इस ट्रायंगल की सी डी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। फिर हमने लिखा बी सी इज इक्वल टू डी ए। यहां पर हम चेक कर सकते हैं इस ट्रायंगल की बी सी साइड 4 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल की डी ए साइड 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है। इसके बाद हमने लिखा ए सी इज इक्वल टू ए सी। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें भी ए सी साइड आ रही है और ये जो ट्रायंगल है सी डी ए, इसमें भी ए सी साइड आ रही है। तो ये ए सी साइड दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये भी आपस में इक्वल हुई। तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, देखिए इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी सी की तीनों साइड्स ट्रायंगल सी डी ए की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के साथ इक्वल हैं, तो यहां पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हुआ है। तो यहां पर हमने लिखा बाय एस एस एस, यानी कि बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। तो यहां पर हमने ये भी शो कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो कि एक स्क्वायर शीट पे बनाए गए हैं, इनका एरिया भी इक्वल है, जो यहां हमने दिखा दिया था, और हमने ये भी दिखा दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि इन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर इक्वल है या नहीं। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब है एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाता है। तो ट्रायंगल एबीसी को देखिए, इसमें ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है और साथ में ए सी साइड भी है, यानी कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 4 प्लस 4 8, और उसमें ए सी साइड की मेजरमेंट वैसे तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों के साथ ए सी भी ऐड होगा। अब इस ट्रायंगल को देखिए, सी डी ए ट्रायंगल को, इसमें भी एक साइड ये 4 सेंटीमीटर है सी डी साइड, डी ए साइड भी 4 सेंटीमीटर है और इसमें भी ए सी ही ऐड हो रहा है, यानी इन दोनों ही ट्रायंगल्स में पेरीमीटर इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें भी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस ए सी साइड ऐड हो रही है, इस ट्रायंगल में भी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस ए सी ऐड हो रही है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर इक्वल आएगा। इसीलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिखा है इन दिस केस द पेरीमीटर्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी ये जो केस है जिसमें एक स्क्वायर शीट थी और इसमें दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल आए हैं और दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है, जो यहां हमने प्रूव किया है, तो इस केस में दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर आपस में इक्वल होगा। तो सेवेंथ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हमने सोल्व कर लिया है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें हमने एक स्क्वायर शीट ली एबीसीडी, उसमें हमने दो ट्रायंगल्स बनाए और उसके बाद हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल है। फिर हमने ये भी दिखाया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है और फिर हमने ये भी चेक कर लिया कि इन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर आपस में इक्वल है।
अब हम सेवेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए सेकंड पार्ट में भी कुछ चीजें तो पहले सेम ही है जो कि फर्स्ट पार्ट में भी थी, जैसे कि हमें स्क्वायर शीट लेनी है, उसमें दो ट्रायंगल्स बनाने हैं जिनका एरिया आपस में इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस बार हमें ये भी दिखाना है कि जो इक्वल एरिया वाले दो ट्रायंगल होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, जबकि फर्स्ट केस में वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट भी थे। इस बार वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया तो आपस में इक्वल होगा लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि इन दो ट्रायंगल्स का पेरीमीटर आपस में इक्वल होगा या नहीं। तो पिछले पार्ट की तरह इस बार भी स्टूडेंट्स हमने एक यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर बनाया है ABCD, और इसके चारों साइड्स को हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर रखा है। ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर हमने अपनी तरफ से ही रख लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें कोई मेजरमेंट तो गिवन थी नहीं। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रखना चाहे तो 4 सेंटीमीटर रख सकते हैं, या कोई और मेजरमेंट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हमने ए को सी से मिलाया, ये देखिए ये ए को सी से मिलाया, तो एक ट्रायंगल तो हमें यहाँ पर मिला ABC। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए इस AD के ऊपर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है E, और हमने E को B से मिलाया है और E को C से मिलाया है। तो जो दूसरा ट्रायंगल ये सेकंड पार्ट में हम यूज करेंगे वो होगा ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल यहाँ पर है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल होगा ट्रायंगल EBC। और हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EBC का जो एरिया है वो इक्वल होगा, वो अभी हम यहाँ पर शो करके दिखाएंगे। और उसके बाद हम ये भी दिखाएंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EBC आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एंगल बी इस स्क्वायर में भी आ रहा है और स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो एंगल बी है ये इस ट्रायंगल ABC में है तो ये 90 डिग्री का हुआ। तो ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करके। अब आप इस ट्रायंगल EBC को देखिए, इस ट्रायंगल EBC में हमने यहाँ पर ये EL परपेंडिकुलर शो किया है। देखिए जैसे ट्रायंगल ABC में AB हाइट है वैसे ही ट्रायंगल EBC में EL हाइट है, क्योंकि जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर भी होती है। तो EL की मेजरमेंट और AB की मेजरमेंट आप देख सकते हैं कि जो लेंथ यहाँ पर AB की है वही लेंथ यहाँ पर EL की है। तो अगर AB 4 सेंटीमीटर होगा यानी कि ट्रायंगल ABC की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल EBC की जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर ही यूज की जाएगी। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती से AD लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, ये AD नहीं है ये AB होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AB। देखिए स्टूडेंट्स ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एंगल B 90 डिग्री का है। तो जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पर ये हाफ आया यानी कि 1/2 इंटू BC। देखिए बेस क्या है, BC, इस ट्रायंगल में जो बेस है वो BC है, तो यहाँ पर हमने BC लिखा इंटू हाइट यानी कि AB। हाइट क्या है, ये AB। अब ये 1/2 यहाँ पर एज इट इज आ गया, इंटू का साइन एज इट इज आया, BC की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो BC की जगह यहाँ हमने 4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आया। उसके बाद AB की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो AB की जगह यहाँ पर हमने 4 लिखा। अब ये 4 और ये 2 ये दोनों आपस में सोल्व किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों ही नंबर्स को 2 से काटेंगे। देखिए 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, तो यहाँ क्या बचा, 4 × 2 × 1 यानी कि 4 × 2 8 होता है, और 8 × 1 8 होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ गया है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू EL। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला यूज किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए ट्रायंगल EBC का जो बेस है वो BC है और जो हाइट है वो EL है, तो बेस की जगह BC आया और हाइट की जगह EL आया। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/2 यहाँ पर एज इट इज आ गया, इंटू का साइन एज इट इज आया, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने BC की जगह 4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आया,
ईयर की लेंथ वही है जो यहाँ पर एबी की लेंथ थी। एबी 4 सेंटीमीटर थी तो ईयर भी 4 सेंटीमीटर ही है, तो ईयर की जगह हमने लिखा 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 और ये 2 आपस में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 2 वन द 2 एंड 2 टू द 4, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 1 8 होता है, तो यहाँ पर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ गया है, तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस स्क्वायर में दो ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल शो कर दिया है, और सेकंड पार्ट में हमें यह कहा गया था कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। अब हमें दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईबीसी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिखा ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईबीसी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईबीसी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है? देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते तो ए बी साइड किसके कोरस्पोंडिंग होती? ई बी साइड के, यानी कि ए बी साइड और ई बी साइड आपस में इक्वल भी होते। और यहां पर देखिए, ए बी साइड की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, लेकिन ई बी की लेंथ तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इन दोनों साइड्स को आपस में कोरस्पोंडिंग नहीं दिखा सकते हैं। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें ए सी को कोरस्पोंडिंग दिखाना होता ई सी के, तो उस केस में इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए थी, यानी ए सी की लेंथ और ई सी की लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना तो हमें ए सी की लेंथ पता है और ना ही हमें ई सी की लेंथ पता है, तो हम ए सी को भी ई सी के कोरस्पोंडिंग नहीं दिखा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जिन चीजों की जरूरत थी, वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईबीसी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और इसके बाद हमने लिखा है इन दिस केस द पेरीमीटर्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर आपस में इक्वल नहीं होगा। अब ये हमें कैसे पता चला स्टूडेंट्स? देखिए, ट्रायंगल का पेरिमीटर हम कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल की तीनों साइड्स को ऐड करके। अब देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ए सी की लेंथ हमें पता ही नहीं है। अब देखिए, ट्रायंगल ई बी सी में हमें सिर्फ ए की लेंथ पता है बी सी, ना ई बी की लेंथ पता है ना ई सी की लेंथ पता है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर इक्वल हम प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स की मेजरमेंट ही नहीं है। इसलिए यहां पर हमने लिख दिया है कि इन दिस केस द पेरीमीटर्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल, इस केस में दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर आपस में इक्वल नहीं होगा। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या चीजें प्रूव करनी थी स्टूडेंट्स? एक तो हमें एक स्क्वायर चाहिए था, जो हमने यहाँ पर एबीसीडी स्क्वायर बनाया। उसमें हमने दो ट्रायंगल्स बनाए, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल ईबीसी। एक तो हमें ये शो करना था कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। और उसके बाद हमें ये भी बताना था सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग कि इन दोनों ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमने ये भी शो कर दिया कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईबीसी आपस में कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, और हमें दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर्स को भी चेक करना था कि वो इक्वल है या नहीं। तो यहां पर हमने ये भी बता दिया है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईबीसी इन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर आपस में इक्वल भी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।